तैयारी जीत है भाई। तो दोस्तों ये है कोटा के बेस्ट टीचर्स जीतू भैया। कोटा फैक्ट्री सीजन 3। लंबे इंतजार के बाद TVF की सीरीज कोटा फैक्ट्री का सीजन 3 नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुका है। एंड इन दिस वीडियो आई विल शेयर माय रिव्यू अबाउट दिस OG सीरीज विद यू गाइस। हाय, मैं हूं निहारिका और आप देख रहे हो अनकट। 20 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ कोटा फैक्ट्री का सीजन 3। जितेंद्र कुमार इज बैक इन हिज मच लव्ड कैरेक्टर जीतू भैया। बैकड्रॉप तो वी ऑल नो कोटा में सेट है ये सीरीज, जो दिखाती है स्टूडेंट्स का स्ट्रगल JEE क्रैक करने के लिए। अर बिलवेड जीतू भैया फिजिक्स में धुरंधर बनाने के साथ साथ ये लाइफ प्रॉब्लम भी सॉल्व करवाते हैं। अगर स्टूडेंट्स के पास यार एक ऐसा टीचर हो ना तो एकेडमिक्स वुड बी सो मच मोर फन। नॉनetheless कमिंग बैक टू द ट्रैक, एपिसोड 1 स्टार्ट होता है जीतू भैया से, जो थोड़े से डिसओरिएंटेड से आपको नजर आएंगे। हर समय स्टूडेंट्स की लाइफ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने वाले जीतू भैया इस बार खुद मेस्ड अप हैं यार। एमर्स इंस्टीट्यूट के सूत्रधार जीतू भैया खुद आउट ऑफ फोकस क्यों है? वेल, क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सब कुछ आपको ये सीरीज देखकर पता चलेगा, क्योंकि अगर मैंने बताना शुरू किया ना तो बहुत सारे स्पॉइलर्स आ जाएंगे सामने। इस सीरीज को लिखा है पुनीत बत्रा और प्रवीण यादव ने। कहा जाता है कि राइटिंग सिंपल इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन इन्होंने ये डिफिकल्ट काम बहुत अच्छे से किया है। छोटे छोटे न्यूआंसेस हैं जो आपको 10 सेकंड पीछे जाकर वही बात दोबारा सुनने के लिए मजबूर कर देंगे। और जिस तरह दीवार की सीलन को मन में उमड़ते एकदम परेशान करने वाले झंझोड़ने वाले ख्यालों से रिलेट किया है इन्होंने, दैट इज इम्प्रेसिव। तिलोत्तमा शो में एज केमिस्ट्री टीचर पूजा मैम, ये फिर से केमिस्ट्री की मिस्ट्री आपको सॉल्व करती हुई नजर आएंगी, और साथ ही जीतू भैया को उनकी कमियां भी बताएंगे। यार ऑब्वियसली बात है ना, नोबडी इज परफेक्ट। तिलोत्तमा इज सो फ्लुएंट एंड परफेक्ट इन एक्सप्लेनिंग केमिस्ट्री कि आपको अपनी स्कूल वाली टीचर की याद आने वाली है। मयूर मोरे एज वैभव, रंजन राज एज मीना और आलम खान एज उदय, इन सभी को हम सीजन 1 से देखते हुए आ रहे हैं और इनके साथ काफी रिलेट करते हैं। लेकिन जरा मुझे कमेंट्स में बताना कि इन लोगों को देख के आपको अपना कौन सा दोस्त याद आता है, उनको नीचे चाहो तो कमेंट सेक्शन में टैग भी कर देना। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जब हम दूसरे की मेहनत को नजरअंदाज कर देते हैं या फिर उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो हमें उनकी हर अचीवमेंट सिर्फ उनके लकी होने का रिवॉर्ड लगती है? शायद यही हुआ वैभव के साथ भी। वो जेलेस और चिड़चिड़ा होता नजर आएगा, लेकिन उसका दिमाग ठिकाने लगाने के लिए जीतू भैया है ना, वो करेक्ट टाइम पर उसकी इनसिक्योरिटीज को दूर करके उनका फोकस एकदम ठीक कर देंगे। भाई अब आते हैं मीना पर। लाइक ऑलवेज रंजन राज एज मीना इज वेरी कन्विंसिंग, और उसकी शुद्ध हिंदी में वार्तालाप करने वाली आदत के तो हम सभी मुरीद हैं। मीना को इस सीजन में आप पढ़ाई से ज्यादा कहीं और ध्यान देते हुए देखोगे, लेकिन चिंता नॉट यार, प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं है। कहते हैं प्रिविलेज इज इनविजिबल टू दोज हु हैव इट। पैसे की कमी कैसे बच्चे को बड़ा बना देती है, इसकी एक छोटी सी झलक आपको देखने के लिए मिलेगी जब मीना अपने घर वालों से फोन पर बात करेगा। लेकिन भाई व्हाट आर फ्रेंड्स फॉर, इस कमाई और पढ़ाई के घेरे में फंसे हुए मीना को बचाएंगे उन्हीं के दोस्त वैभव और उदय, एंड ऑब्वियसली जीतू भैया भी। अब हर क्लास में सबसे ज्यादा मस्ती करने वाले लड़के के रोल में आपको आलम खान एकदम परफेक्ट सटीक नजर आएंगे, मानो अपनी लाइफ में भी वो उदय जैसे ही हो। हर बात पर वो कचोरियों पे शर्त लगा लेते हैं, हर बात पर वो कहते हैं ऐसा होता तो मैं ऐसा कर देता, और हर वक्त वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए टू मच अवेलेबल रहते हैं। टू गुड टू बी ट्रू वाली पर्सनालिटी है उदय की, बस गर्लफ्रेंड शिवांगी के सामने यानी कि एहसास चन्ना के सामने वो पानी कम चाय हो जाते हैं। एहसास JEE एस्पिरेंट्स के बीच अपनी नीट प्रॉब्लम्स को जैसे ही हाईलाइट करती है, वैभव और मीना आंखें तरेरने लगते हैं, उनको जज करते हैं। लेकिन जब नीट एस्पिरेंट शिवांगी वैभव को उनकी लव लाइफ की प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन करती है तो मानो वैभव की तो दिमाग की बत्ती ही जल जाती है। रेवती पिल्लई बनी है वर्तिका, वैभव की वर्तिका। लेकिन पढ़ाई में तेज लड़कों के लिए भी ये जान पाना कि उनकी गर्लफ्रेंड उनसे क्यों नाराज है बहुत डिफिकल्ट होता है। आई बिलीव ब्रो ये तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। प्रतीश मेहता कोटा फैक्ट्री सीजन 3 के डायरेक्टर हैं। समझ लीजिए कि सेट पर हर एक पत्ता इन्हीं के इशारों पर हिलता है। राजेश कुमार, नवीन कस्तूरिया, ज्योति गौबा, उर्वी सिंह भी इस सीजन का हिस्सा हैं। स्क्रीन टाइम कम है लेकिन काम कमाल है। अब अगर आप मुझसे पूछोगे कि इस सीरीज का टेक अवे क्या है तो भाई मेरा आंसर होगा मोटिवेशन।
नंबर वन, मोटिवेशन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का नहीं, मोटिवेशन वो हर काम करने का जो आप करना चाहते हो। दूसरा, ड्रीम्स सिर्फ देखे जाते हैं लेकिन एम अचीव किया जाता है। तीसरा, सक्सेसफुल सिलेक्शन के साथ साथ सक्सेसफुल प्रिपरेशन को भी हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। और चौथा, जीत की तैयारी नहीं, तैयारी ही जीत है। कुछ दमदार डायलॉग्स और बहुत सारी दमदार मैसेजिंग के साथ भरा पड़ा है कोटा फैक्ट्री का सीजन 3। आप भी इसको जल्दी से निपटाइए, अपना रिव्यू हमें कॉमेंट्स में बताइए, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कुछ ही समय में आपको देखने के लिए मिलेगा कोटा फैक्ट्री सीजन 3 की कास्ट के साथ मेरा एक इंटरव्यू। तो आप जरा जाने से पहले अनकट को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब कर लेना।